गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं बोलने वाली हूँ क्योंकि सनी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे दादा दादी, जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा। इस बस का नाम बेसिकली काली है और इस बस का नाम ही काली है, जैसे कि इसमें लिखा भी गया है यहाँ पर साइड में, अगर आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारे दादा दादी और पल्लवी दीदी भी साथ में आई थी, जिनको पिकअप करने के लिए सनी और मेरे पापा गए थे। और यहाँ पर सनी अच्छे से इनकी वीडियो बना रहा था, सनी लाठी भी लेकर के गया था ताकि ये लोग आराम से उतर सके। और इसी में साथ ही साथ हमारे राम बहादुर नाना भी आए हुए थे और उनके बेटे। शाम को हो चुकी थी तैयारी मेहंदी की, क्योंकि अभी तक हमारे से हल्दी का फेस्टिवल हुआ था, तो सब लोग मेहंदी लगवा वगवा के नाच रहे थे वहाँ पर। और जो लोगों ने मेहंदी लगवा ली थी वो सब अपनी मेहंदी दिखाने के लिए बेताब हो रहे थे। ये देखिए पल्लवी दीदी का हाथ, और ये मैंने अपने हाथ में अपना नाम लिखा था श्रेया, और दूसरे हाथ में मेहंदी लगाई। अगले दिन सुबह उठते ही ओमी रोने लगी कि मेरे को तैयार करो, मेरे को तैयार करो, क्योंकि उसने पहनी थी एक सुंदर सी रेनबो कलर की फ्रॉक जो कि उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन रास्ते पर तो ख़राब हो जानी थी। यहाँ पर आ गए थे बैंड बाजे वाले और अभी तक मैं तो तैयार नहीं हुई थी, सनी ही पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा था। यहाँ पर सनी सबको दिखाते हुए, और ये रहे हमारे दूल्हे राजा यानी कि मेरे मामा, जो कि तैयार हो चुके थे और इनके साथ हो रहा था फ़ोटोशूट। यहाँ पर बैंड बाजे वाले थक गए थे तो इसलिए वो थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि अभी हमारी बारात को जाने में टाइम था। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने छोले भटूरे खाए, क्योंकि आज बारात का दिन है तो फटाफट से हमने सुबह छोले भटूरे खाए, नहीं तो बारात जाएगी कैसे। और यहाँ पर सब लोग खा रहे थे। उसके बाद आए मेरे ताऊ, ताऊ के साथ ताई भी आई हुई थी। ताई को रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसके बाद वो थोड़ा उल्टी उल्टी भी कर रही थी। ये मेरा भाई तैयार हो चुका था और सनी का लुक दिखाना वो भूल गया था, तो मैं ही आपको बता देती हूँ सनी ने ऐसा लुक अब तैयार किया था। और इसका जो कोट का कलर था वो ग्रीन था, और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और आखिर मेरा भाई ये तो अच्छा ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। और उसके साथ ही साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ छलिया डांसर्स। तो हमारे वहाँ पर इस टाइप के जो डांसर्स होते हैं उन्हें छलिया डांस कहा जाता है। ये यहाँ पर छलिया डांस करते हैं और ये लोग आपस में इसे करते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप लोगों ने हमारे वहाँ के कुछ कई सारे गानों में भी देखा होगा। तो गाइस, जैसे कि आपने हेमाधु सॉन्ग अगर आपने सुना होगा तो उसमें भी छलिया डांस के बारे में कहा गया है। छलिया डांसर्स अपने में भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और इनको जो पैसे दिए जाते हैं वो उन्हें उठाते हैं। देखिए आप जैसे ये मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं और ये अपने डांस को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और इनका डांस सुनने में और देखने में हमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें जो म्यूज़िक यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है। इसके साथ वो पैसे अपने हाथों से नहीं उठाते हैं, वो अपने तलवार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आ गई थी डोली, जिसमें हमारे मामा और मामी दोनों बैठेंगे, मतलब पहले मामा बैठेंगे उसके बाद मामी बैठेंगे, क्योंकि एक ही सीट है भाई, इतने सारे लोग कैसे बैठ सकते हैं, मतलब दो लोग। और यहाँ पर आ चुके थे हमारे कैमरामैन अंकल, जो कि हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते हैं, और कभी कभार जब हम खाना खा रहे होते तो हमारे भी वीडियो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलने लगी रस्में, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और फ़ोटोशूट तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, आजकल तो फ़ोटोशूट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टार्ट हो गया था डांस, क्योंकि अभी बारात जाने वाली है। यहाँ पर हमारी मामी नानी सब लोग मामा के साथ नाचने लग गए और हम भी बहुत ज़्यादा नाच रहे थे। और हमारी कौन वीडियो बनाएगा बगाइज, हम सबकी वीडियो बनाते हैं लेकिन हमारी कोई वीडियो नहीं बनाता। खैर एनीवेज, हम लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर मामा को थोड़ा सा तैयार विया किया जा रहा था, मतलब वही सब रस्में जिनके बारे में मुझे नहीं पता है क्या क्या नाम होता है। यहाँ पर डोली आ चुकी है, जिसको थोड़ा सजाया वजाया गया, देखिए आप, थोड़ा सा सीट वीट लगा दिया ताकि ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। और इसकी अभी इसमें खिचड़ी डाली जाएगी, और मतलब असली वाली खिचड़ी नहीं, हमारे वहाँ जो कहा जाता है वो खिचड़ी। यहाँ पर दूल्हे राजा को बैठा दिया गया है, और अब इनकी मेरी दादी जो है, मेरी दादी वो इनकी नज़र उतार रही है ताकि किसी की नज़र ना लग जाए। यहाँ पर जैसे ही इनकी नज़र उतर जाएगी वैसे ही अब ये डोली उठेगी और इनको लेकर जाएगी नीचे तक, उसके बाद इनको थोड़ा चलकर रोड तक जाना होगा। पूरी बारात यहाँ से निकल रही है, मैं और पल्लवी दीदी तो पहले निकल गए थे गाड़ी के लिए। उसके बाद यहाँ पर सनी पूरा वीडियो शूट करते हुए नीचे लेकर गया मामा मामा को, मामी तो आई नहीं हमारी, यहाँ पे मामा को उतार दिया गया, क्योंकि यहाँ से मामा को पैदल चलना पड़ेगा, और इनके पीछे लगाएंगे छतरी जिससे इन्हें धूप ना लगे। और यहाँ पर देखिएगा इस पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जितनी भी सब गाड़ियाँ हैं ये सब बारात के लिए ही हैं। हाँ, एक दो होंगी जो नहीं होंगी बारात के लिए, और इनमें स्टीकर विकर लगा करके चल दिया हम लोग। यहाँ पर मामा खड़े हैं इनके साथ, जो मामा हैं वो हर फोटो हमारी बिगाड़ रहे थे। और यहाँ पर हमारे कैमरामैन अंकल, और ये रही दूल्हे राजा की गाड़ी यानी कि मेरे मामा की गाड़ी। इस गाड़ी में जब हम बारात लेके वापस आएंगे तो मामी आने वाली थी, इसमें बैठे मामा और मैं बैठी थी, मेरे साथ निशा मौसी थी, लेकिन उनको उल्टी होती है इसलिए उन्हें निकाल दी, मतलब उन्हें बाहर भेज दिया गया, उन्हें दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया। और यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं हमारे
जगह के तरफ, और यही भूमि, शनि और मैं।